गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने रेक्टिफिकेशन में क्या क्या कर लिया, एक बार मैं उसको ओवरव्यू देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट कर लिया कि क्या क्या हमारे एरर होंगे। इसके बाद हमने कुछ चार जनरल एंट्री नोट किए थे जिसके अंदर किसको किस तरीके से किया जाएगा। अब हम उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं कि जनरल एंट्री में और क्या क्या होगा। ठीक है, तो आपको लास्ट का पॉइंट क्लियर है सारा, तो हम एक एग्जाम्पल नंबर अब आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, 4 कर लिए थे ना आपने, याद होगा आपको। जिसने नहीं किए थे वो यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड करूंगा, वो वहां से कर लिया किसी के रजिस्टर से, बहुत मुश्किल नहीं। आज की क्लास भी देखोगे तो सब समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला, सपोज करो गुड्स सोल्ड टू राधा या राम ₹1000, बट रिकॉर्डेड एज राम। मैंने राम को सामान बेचा लेकिन रिकॉर्ड किसमें कर दिया बताओ, राम में। आप मुझे यहां पे दो एंट्री बताना, रॉन्ग और राइट। ठीक है, क्या करेक्ट एंट्री कोई बता सकता है? करेक्ट एंट्री कोई बता सकता है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपका आंसर। करेक्ट एंट्री यहां पे आएगा राम टू सेल्स और ये आएगा ₹1000। अब कोई मुझे इनकरेक्ट एंट्री बताओ, मैंने क्या करा? बस नाम अलग कर दिया। इनकरेक्ट एंट्री, नाम अलग कर दिया। नाम में क्या अलग करा मैंने? मैंने कर दिया रामू टू सेल्स ₹1000। समझ में आया आपको पॉइंट? नाम बदल दिया मैंने। अब रिवर्स बताओ जल्दी से फटाफट, कौन बताएगा रिवर्स? बिल्कुल ठीक आंसर। रिवर्स एंट्री होगा हमारा सेल्स टू रामू, यानी हमें एक पहले करेक्ट एंट्री करना होता है, फिर एक इनकरेक्ट एंट्री, उसके बाद इस एंट्री को इनकरेक्ट वाले को रिवर्स करते हैं। तो रामू सेल्स टू रामू ₹1000। अब रेक्टिफाई तो आपको पता ही कैसे करना है, इन दोनों को में से हम एक एंट्री निकालेंगे जिसको मैंने नाम दिया है रेक्टिफाई एंट्री। रेक्टिफाई एंट्री देखो, सेल्स डेबिट और सेल्स डेबिट और क्रेडिट ये तो कैंसिल हो गया आपस में, बच क्या गया? राम टू रामू। तो रेक्टिफाई एंट्री होगा हमारा राम डेबिट टू रामू। समझ में आई आपको बात? ₹1000। किसी को डाउट? चलो एक बार और देख लेते हैं। मैंने कहा गुड सोल टू राम, राम को सामान बेचा गया, तो राइट एंट्री होना चाहिए राम टू सेल्स, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कर दिया रामू में, तो इनकरेक्ट एंट्री है रामू टू सेल्स। हमने रामू टू सेल्स को पहले रिवर्स किया, रिवर्स किया तो एंट्री क्या बन गया हमारा? सेल्स टू रामू। अब इन दोनों को कंपेरिजन करना है, सेल्स क्रेडिट में हजार, यहां सेल्स डेबिट में हजार, दोनों आपस में कट जाएंगे। करेक्ट एंट्री क्या आ गया हमारा? राम डेबिट और टू में रामू है, तो राम टू रामू। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6, गुड्स परचेज फ्रॉम सोनल ₹6000। मैंने सोनल से सामान 6000 करा, बट रिकॉर्डेड एज बट रिकॉर्ड एज सेल्स टू सोनू ₹100।
हिंदी बताओ क्या है इसकी। मैंने गुड्स परचेज किया, सेल्स मैंने लिख दिया, वर्स रिकॉर्ड एज परचेज फ्रॉम सोनू लिख देते हैं। पहले ये एंट्री करते हैं, परचेज फ्रॉम सोनू। समझ में आया आपको पॉइंट? मैंने कहा भाई गुड्स परचेज किया है सोनल से 6,000 रुपए का, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कर दिया सोनू में, और वो भी ₹600 से। समझ में आया? यहां दो एरर है, एक तो लिखा भी 600 से गलती है, और दूसरा नाम भी गलत लिख दिया मैंने। ठीक है ना, नाम भी गलत लिख दिया। तो करेक्ट एंट्री बताओ फटाफट से। करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री होगा हमारा परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा था? सोनल। अमाउंट आ जाएगा 6,000। अब आप में से कौन इनकरेक्ट बताएगा, जल्दी सोचिए बताओ। मैंने सोनल के जगह पे सोनू लिख दिया है, तो इनकरेक्ट एंट्री बताएं फटाफट से, बताएं जल्दी जल्दी बताएं। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट एंट्री। एंट्री हमने किया परचेज अकाउंट टू सोनू डेब टू सोनू, और अमाउंट भी हमने कर दिया 600। डबल एरर हो गया। अब रिवर्स बताओ क्या करेंगे। सिंपल, सोनू टू परचेज छ हजार या 600, 600। अब रेक्टिफाई एंट्री, यहां तक समझ में आया क्या? दोबारा देख लो, हमने गुड्स परचेज किया सोनल से, तो परचेज टू सोनल 6,000, फिर हमने रिकॉर्ड कर दिया सोनू में, लेकिन 600 माना, तो परचेज टू सोनू 600 रुपए, और सोनू टू परचेज रिवर्स एंड रेक्टिफाई। देखो यहां परचेज डेबिट और परचेज क्रेडिट, तो दोनों एंट्री क्या हो गया हमारा, यहां पे परचेज क्रेडिट है, यहां डेबिट है, लेकिन अमाउंट अलग है, ध्यान देना। तो अमाउंट देखो, परचेज डेबिट 6,000 से और क्रेडिट 600 से, तो कट तो नहीं सकता क्योंकि यहां सेम अमाउंट है नहीं, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। तो ज्यादा परचेज डेबिट में है, तो एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट कितने, माइनस करके 50, 400। अब सोनू डेबिट है, सोनू डेबिट कितने से 600, तो देखो परचेज का भी हो गया, और सॉरी और सोनू का भी हो गया। सोनल क्रेडिट है टू सोनल कितने से 6,000। बीइंग क्या लिखेंगे, रेक्टिफाई एंट्री पास। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। समझ में आए ये दोनों? वेजेस पेड ₹600 टू राजा, बट रिकॉर्डेड एज पर्सनल अकाउंट, रिकॉर्डेड एज पर्सनल अकाउंट। अब एक पॉइंट समझना होगा, यहां पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है कि मैंने लिखना था वेजिस टू कैश, लेकिन मैंने गलती से लिख दिया राजा टू कैश। बताओ कौन सा एरर रही है, कंपनसेटिंग एरर। याद होगा आपको, कंपनसेट में एक दूसरे को नाम दिया राजा को ही, लेकिन मैंने पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया। पर्सनल अकाउंट डेबिट लिख देता हूं, चलो डेबिट। अब बताओ सबसे पहले हमारा, सबसे पहले हमारा करेक्ट एंट्री, राइट एंट्री, करेक्ट एंट्री क्या होगा।
वेजेस पेड किया है, तो वेजेस टू कैश 600। कोई दिक्कत? रॉन्ग एंट्री कौन बताएगा बताओ? कंपनसेटिंग एरर है, रॉन्ग एंट्री क्या होगा आपका? इनकरेक्ट एंट्री। बताइए। बिल्कुल सही, रॉन्ग एंट्री में लिखेंगे हम राजू टू कैश। यही तो एरर है, हमने पेमेंट राजू को ही वेजेस किया था, लेकिन मैंने वेजेस लिखना चाहिए, लेकिन मैंने लिख दिया उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट। समझ में आई बात आपको? कंपनसेटिंग एरर। अब इसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स हम कर रहे हैं ग्रीन मार्कर से। चलो रिवर्स, रिवर्स तो हर कोई बता देगा जी। कैश अकाउंट डेबिट टू बताओ राजू, इस एंट्री को अब देखते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। रेक्टिफाई, अब बताओ वेजेस डेबिट, और नीचे तो कोई वेजेस है नहीं तो बात ही नहीं होता, तो वेजेस डेबिट कर देते हैं। वेजेस अकाउंट डेबिट 600। और बात करते हैं कैश, कैश क्रेडिट कैश डेबिट कैंसिल, दोनों सेम अमाउंट, और टू में क्या बच गया? टू राजू। ये लो हमारा हो गया रेक्टिफाई एंट्री। समझ में आई आपको बात? तो अभी हमने अलग अलग 5 6 7 तीन तरीके की एंट्री देखे हमने, और भी एंट्री देखते हैं। ठीक है, एंट्री नंबर 8 देखो। मैंने एंट्री नंबर 8 क्या लिखा है? सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू दीपक। दीपक को मैंने एक पुराना फर्नीचर 1000 रुपए का बेच दिया। तो जब कभी कोई एसेट्स बेचते हैं तो वो सेल्स नहीं माना जाता, वो एसेट्स सेल्स माना जाता है। इसकी एंट्री होनी चाहिए हमारी दीपक डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर, लेकिन मैंने गलती से उसको कहां रिकॉर्ड कर दिया? सेल्स बुक में। और सेल्स बुक में मैंने उसको नॉर्मल सेल्स मान लिया, और सेल्स भी कितने का माना? 300, जबकि किया कितने का था? 1000 का। तो देखते हैं इसके भी करेक्ट एंट्री। बता सकता है कोई? सेल ओल्ड फर्नीचर, देखो इसका क्या होगा? दीपक डेबिट टू सेल्स, सॉरी दीपक डेबिट टू, करेक्ट में आएगा ओल्ड फर्नीचर, और अमाउंट आ जाएगा 1000। अब करते हैं इनकरेक्ट एंट्री। मैंने मान लिया इसको सेल्स, तो मैंने कर दिया इसको दीपक डेबिट और टू सेल्स। सेल्स बुक का मतलब मैंने सेल्स मान लिया, और उसमें भी अमाउंट पता है क्या लिखा? 300। ठीक है, 300 लिखा हमने। रिवर्स एंट्री क्या होगा? हर किसी को पता है, रिवर्स सेल्स अकाउंट डेबिट टू दीपक। मेरे हिसाब से अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि क्या करना है। अब देखो दीपक डेबिट 1000 और दीपक डेबिट 300, क्रेडिट 300, तो हमारा दीपक का जो ज्यादा अमाउंट है डेबिट वाला है, तो रेक्टिफाई एंट्री होगा दीपक डेबिट 1000 और 300 माइनस हो जाएगा 700। फर्नीचर टू में आएगा, और यहां सेल्स भी डेबिट है, तो यहां सेल्स डेबिट करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट 300 और टू फर्नीचर, टू ओल्ड फर्नीचर, टू ओल्ड फर्नीचर 1000 रुपये। इज इट क्लियर? ठीक है,
क्लियर है। तो अभी हमने डिफरेंट डिफरेंट चार एंट्री और देखे, 5, 6, 7, 8। आप इस बेस पे अपने बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 3 ट्राई कर सकते हो। ये होमवर्क में रहेगा आपका, इलस्ट्रेशन 3 जो आपको करना होगा, ठीक है। चलिए और इससे आगे देखते हैं। पहले मैंने एक इलस्ट्रेशन दे दिया, और भी आगे एंट्री देखेंगे। तो एक बार फटाफट से आप इसको नोट करिए अच्छे से पहले, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट में, ठीक है। आपने वो सारी एंट्री नोट कर ली अभी 8, उसके बाद एंट्री नंबर करते हैं हम 9। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, मैं एग्जाम्पल लेता जाऊंगा, आपको पता है कैसे करना है, बस मैं एग्जाम्पल लेता जाऊंगा, आपको जवाब देना है। मैंने लिखा वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ₹6,000, बट डेबिट, एक साइड को बता रहा है, डेबिट टू वेजेस अकाउंट। डेबिट किसको कर दिया हमने, वेजेस अकाउंट। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि हमने कंस्ट्रक्शन करवाया और उसके लिए वेजेस दिया, तो आप मुझे जवाब देना, जब कंस्ट्रक्शन करवाते हैं और उसके लिए वेजेस देते हैं तो इसका मतलब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए, वेजेस से तो नहीं होगा, लेकिन मैंने गलती से डेबिट क्या कर रखा है, वेजेस। तो क्या क्लियर हुआ आपको? तो देखो सबसे पहले देखते जाना आप करेक्ट एंट्रीज। करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री होगा, क्या एंट्री करेंगे हम, बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,000 से। क्लियर? इनकरेक्ट एंट्री बताओ कौन बताएगा, इनकरेक्ट एंट्री बताओ। इनकरेक्ट एंट्री मैंने कर दिया वेजेस, समझ में आया आपको, वेजेस कर दिया और टू में कर दिया मैंने कैश। देखो लिखा है डेबिट कर दिया बस मैंने वेजेस को, होता है ना ऐसे कई बार, जनरल एंट्री में भी हमने देखा है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड अमाउंट 6,000। अब क्या करें बताओ, अब इसको रिवर्स करेंगे, अब हम इसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स रिवर्स करेंगे, रिवर्स में क्या होगा हमारा, कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस, कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस, और ये 6,000। अब क्या करें इसको बताओ, अब कैश क्रेडिट और कैश डेबिट कैंसिल, बिल्डिंग बच गया और वेजेस, तो रेक्टिफाई एंट्री बताओ। रेक्टिफाई एंट्री होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, बताओ क्या बचा, वेजेस अकाउंट अमाउंट 6,000, ठीक है। क्लियर? यहां तक तो कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं। 10 लास्ट करते हैं आज की क्लास का, 10 बैड डेट्स रिकवर फ्रॉम मोहन ₹600, बट
डेबिट या बट रिकॉर्ड्स एज पर्सनल अकाउंट। तो देखो बैड डेट्स रिकवर हुआ, आप सबने एंट्री करा हुआ है, बताओ बैड डेट्स रिकवर का क्या एंट्री करते हैं। बैड डेट्स रिकवर की हम एंट्री क्या करेंगे बताओ फटाफट। करेक्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स रिकवर करेंगे तो कैश आएगा ना, और टू बैड डेट्स रिकवर और अमाउंट 600। इसके बाद नेक्स्ट इनकरेक्ट एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री। अब बताओ इनकरेक्ट एंट्री क्या होगा। हमने पर्सनल अकाउंट में लिख दिया, तो देखो कैश तो ठीक है, कैश अकाउंट हमने सोचा कैश तो आया ही है, आया किससे, मोहन से, मैंने मोहन लिख दिया। बताओ कौन सा एरर है, याद आ रहा है, कंपनसेटिंग एरर 600 रुपए। पर्सनल अकाउंट में मतलब मुझे बैड डेट्स रिकवर हुआ तो मुझे बैड डेट्स रिकवर को क्रेडिट करना था, लेकिन मुझे मोहन से मिला तो मैंने सोचा यार कैश तो मोहन से ही मिला है, तो मैंने एंट्री कर दिया कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, जो हो गया गलत। अब क्या करेंगे अगली एंट्री, रिवर्स, रिवर्स एंट्री। रिवर्स एंट्री में होगा मोहन डेबिट टू कैश। देखो यही इसी में से जितने भी हम पॉइंट्स करेंगे 12 15 जो भी हो जाए उसी में से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। टू कैश रेक्टिफाई, देखो कैश डेबिट और कैश क्रेडिट कैंसिल, बचा क्या मोहन डेबिट और बैड डेट्स। एंट्री हो गया हमारा मोहन, रेक्टिफाई एंट्री कर रहा हूं, मोहन डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर, और ये हो गया हमारा 600, ठीक है। तो ये फटाफट से आप नोट कर लीजिए 10। नेक्स्ट यहां तक की एंट्री के लिए एक तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिया है मैंने, और आप कौन सा कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो आप चाहो तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 और इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये ट्राई करना है आपने। इलस्ट्रेशन नंबर 5 एक बार मैं रीड कर देता हूं क्या गिवन है आपके बुक में। वेजेस पेड कंस्ट्रक्शन डेबिट वेजेस अकाउंट, अभी मैंने करवा दिया। कार्टेज पेड न्यूली परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए, आपने कर दिया कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। 5000 पेड मशीनरी इंस्टॉलेशन, तो बिल्कुल सेम सारी की सारी एंट्री इसी पैटर्न पे है, वो है इलस्ट्रेशन 5। तो आपको 3, 4, 5 होमवर्क में भी करना है, ठीक है। अब आगे का टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंट्री करते जाएंगे ये कंटिन्यूटी में, ठीक है। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।